ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कट ऑफ का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सेशन वन की जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए। गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप स्विगी होंगे। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन जो कमेंट आपका है वो है सेशन वन की कट ऑफ को लेकर, कि भैया सेशन वन की कट ऑफ लगेगी या फिर नहीं लगेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सेशन वन की कट ऑफ जो है लगनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वैकेंसीज लिमिटेड हैं, सीट्स लिमिटेड हैं और कैंडिडेट अनलिमिटेड है। ठीक है, तो आपका ये भी कमेंट आया था कि भैया हमने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन अब तक आपकी कट ऑफ की वीडियो नहीं आई है, तो ये कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है। आपको सारा का सारा डेटा दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों ने फिल किया है, हजारों लोगों ने डेटा को फिल किया है, और साथ में मैं रैंक आईक्यू का भी डेटा दिखाऊंगा जिसमें लाखों लोग डेटा को फिल करते हैं। तो सारे की सारी डेटा को कंपाइल करके आपको यहाँ पर फाइनल वीडियो मिल रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सबसे पहले। और आगे हम लोग बात करेंगे आज की सेशन वन की कट ऑफ आप लोगों की लगेगी या फिर नहीं लगेगी, और आपका रिजल्ट फाइनल वो कब तक आ जाएगा, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं आज का ये वीडियो। पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना, उनमें से ये कॉमन डाउट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी सेशन वन की कट ऑफ कितनी जाएगी, सेशन टू की कट ऑफ, जिसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन इस बार होने वाला है, और कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ आपको मैं दिखा दूंगा, और हवलदार का फिजिकल किस तरह से होता है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाने वाले वो भी बता दूंगा। इनकम टैक्स जो MTS के अंदर इनकम टैक्स की वैकेंसीज होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, और PET PSC की जो डेट है वो भी आपको बता देंगे, फाइनल रिजल्ट की डेट है वो भी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ये जितना भी डेटा है वो 6/7/2023 यानी कि 6 जुलाई तक कलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद का जो डेटा है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूँ कि एग्जामिनेशन आपकी जो है 57 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, 12523 टोटल वैकेंसीज थी, और अटेंडेंस जो है आपकी 40% रही है, जिसमें कि पर सीट का जो कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 172 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये ऑथेंटिक डेटा है जो कि मैंने आपको काफ़ी सारी जगहों पर पहले से भी दिखा रखा है। बाकी पहले आप ये वाला डेटा देखिए, ये मैंने फिल करवाया है गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, सभी लोगों ने डेटा को फिल किया है, सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने इस डेटा को फिल किया है, जिसमें कि आपने अपने यहाँ पर कैटेगरी बताई है, अपने अपनी शिफ्ट बताई है, और आपकी कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 वो आपने यहाँ पर बताया है। तो काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि सेशन वन के अंदर अच्छा स्कोर करके आए हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का जो स्कोर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, सभी लोग कर लेते हैं अच्छे से। बट काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जो है जो सेशन टू है उसके अंदर लगभग 50 नंबर बन रहे हैं, 68 नंबर बन रहे हैं, 67 नंबर बन रहे हैं, इस टाइप से नंबर बन रहे हैं। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तब भी बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे जो नंबर हैं वो बन रहे हैं, तो ये लोग तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने लोगों ने डेटा को फिल किया है, मैं आपको यहाँ पर नंबर भी दिखा देता हूँ। ऐसा आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने जो है यहाँ पर गलत भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर उसको मैंने रिफाइन नहीं कर दिया है, क्योंकि डेट आपके मेरे पास रैंक आईक्यू का भी डेटा है और ये मेरा खुद का भी डेटा है, जिसमें कि मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करवाई हैं। तो लगभग ये आप देख सकते हैं हज़ारों लोगों ने यहाँ पर ये डेटा को फिल किया, तो मैं कोई भी बात जो है हवा में करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रैंक आईक्यू के डेटा, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर देखो सबसे जो कम जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 56, ये सेशन टू का स्कोर है। 56 जो स्कोर हुआ है वो हुआ है आपकी 15/5/2023 की शिफ्ट में, और ये है आपकी 3:30 से 5 वाली शाम वाली शिफ्ट में। तो सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी वो यही वाली शिफ्ट सबसे टफेस्ट मानी जाएगी, और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो है आपकी यहाँ पर 92 वाला स्कोर जिसमें हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि हो रहा है आपका 16/5/2023 की दोपहर वाली शिफ्ट के अंदर। तो अभी नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किया जाता है वो आपको मैं बता दूँ, कि जैसे कोई एक ऐसी शिफ्ट है जिसके अंदर कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया है तो वो ईजी शिफ्ट होगी, इसीलिए वहाँ पर कैंडिडेट ने अच्छा स्कोर कर लिया। ठीक है, तो वहाँ उस वाली शिफ्ट से सभी शिफ्ट को क्या किया जाता है, उसके इक्विवेलेंट किया जाता है। तो जिस शिफ्ट में जितने नंबर कम होते हैं वहाँ पर उस शिफ्ट के अंदर उस कैंडिडेट को उतने नंबर जो है बढ़ाकर दे दिए जाते हैं। तो ये तो होता है खेल नॉर्मलाइजेशन का। अभी ये जितने भी मार्क्स आपको एवरेज वाले दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो है आपके रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और डेफिनेटली किया जाएगा, क्योंकि 57 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन तो करना जाहिर सी बात है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 56 नंबर तो यहाँ पर आपको लगभग ये दिख रहे हैं, और 92 नंबर लगभग आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, तो लगभग 36-37 नंबर का डिफरेंस है। 36-37 नंबर भी लोगों के बढ़ सकते हैं। किसी शिफ्ट में आपको 4-5 नंबर मिलेंगे, किसी में 8 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, 15-20-25-30 इस हिसाब से आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। लगभग ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 80 से 90 हज़ार लोगों का यहाँ पर ये डेटा है। अभी मैं आपको अपना डेटा भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने वहाँ से रिफाइन करके बनाया।
उससे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है आपके पास। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूआर की टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं, तो यूआर की टोटल वैकेंसी आपके पास है 5401, ओबीसी की है 3371 और एससी की है 1515, एसटी की है 924 और ईडब्ल्यूएस की है 1312। टोटल वैकेंसी आपकी 12523 बन रही है। इसमें हवलदार की जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ यहाँ पर ये वैकेंसी जो की है 529 वैकेंसीज। अब हवलदार के अंदर मैं आपको बता दूँ कि हवलदार के अंदर ही आपका जो है फिजिकल वगैरह करवाया जाएगा, है ना, बिल्कुल मिनिमम से, मतलब ऐसा ही होता है, ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, अभी दिखा दूंगा क्या स्टैंडर्ड है उसके। और हवलदार के अंदर मैं आपको बता दूँ कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवलदार के अंदर आपके 2645 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 5 times ऑफ हवलदार वैकेंसीज, जैसे मतलब मान लो 529 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, तो इसका 5 times, इसका इसमें मल्टीप्लाई आप 5 का कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब इतने कैंडिडेट आपके जो है हवलदार के लिए बुलाए जाने वाले हैं, सही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके ये जो आप ये वाली जो वैकेंसी, जिसमें कि 18 से 25 एज ग्रुप के लिए अलग यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, और 18 से 27 वालों के लिए अलग वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए कट ऑफ अलग होगी, इसके लिए कट ऑफ अलग होगी, इसके लिए कट ऑफ आपकी अलग होगी, ठीक है। तो बाकी मैं आपको यहाँ पर जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आपको कंपाइल करके सारी की सारी कट ऑफ बताने वाला हूँ, मतलब इस कट ऑफ से अगर आप ऊपर होंगे या इस कट ऑफ के अंदर आसपास होंगे तो आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेशन 1 की जो कट ऑफ है वो लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो नोटिफिकेशन से ही मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर आपका जो है आपको कम से कम इतना स्कोर करना है, 30%, 25% और 20%, इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलग अलग आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ये आपको क्वालिफाइंग है सेशन 1 और सेशन 2 की आपकी कट ऑफ यहाँ पर फाइनल जो है लगने वाली है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे सेशन 1 जो है क्वालिफाइड ही सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का ही रहा, तो इसके बेस पर आपके 30%, 25% और 20%, तो लगभग 70 से 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 को। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास वैकेंसीज तो बहुत कम है, आप ये चीज देख रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत ऊपर निकल जाएगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ वहां पर पहुंच जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कि सेशन 1 की अगर कट ऑफ लगाई जाती है तो पहले ही छटनी कर दी जाएगी कि भाई अगर आपने 30% नंबर गेन करे हैं, है ना, तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हैं, अभी आपसे बहुत अच्छे अच्छे नंबर गेन करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको हम सेशन 2 के अंदर लेके जाएं, मतलब जो 30% वाला एक बालक है और एक बालक ने 70% या 80% नंबर गेन करें, या पूरे पूरे नंबर भी आए सेशन 2 के, सेशन 1 के अंदर 120 नंबर भी बच्चों के बहुत सारे लोगों के आए हैं, तो हम उनको सेशन 2 के अंदर लेके जाएंगे या फिर आपको 30% वालों को लेके जाएंगे, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको मैं यहां पर आगे दिखा देता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपके लिए, वो यहां पर आपको मैंने लिख के बता दिए। वॉकिंग का डिस्टेंस आपसे आपको यहां पर करना है, पीईटी आपका 1600 मीटर रहेगा 15 मिनट के अंदर मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर रहेगा। चेस्ट आपका मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर रहेगा, और चेस्ट जो सॉरी ये आपकी हाइट रहेगी और आपकी चेस्ट रहेगी यहाँ पर 81 सेंटीमीटर्स, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट आपका 48 kg होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं MTS 2021 की कट ऑफ, जो आउट ऑफ 100 गई थी, इसमें 7500 वैकेंसी थी आपके पास, और ये आप देख सकते हैं पहले आपका टीयर 2 भी होता था इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पेपर 2 के अंदर बुलाए गए थे उनकी यहाँ पर ये कट ऑफ है, और ये नॉर्मलाइज स्कोर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। यूआर के लिए 89 गया था, ये पॉइंट वाला मैंने हटा दिया है लास्ट वाला, ओबीसी के लिए भी 89 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 88 गया था और एससी के लिए 84 गया था, एससी के लिए 80 गया था, ईएसएम के लिए यहां पर 60 गया था। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि 100 में से, मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करते हैं, तो 80% 90% जो है कट ऑफ गई है यूआर की, ओबीसी की 90% गई है ना, और ईडब्ल्यूएस की लगभग 88-89% गई है कट ऑफ। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी कि भाई कट ऑफ तो आपको यहां पर जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो आपका शिफ्ट वाइज किया जाएगा, सारे के सारी चीजें आपको यहां पर मैं एस्पेक्ट्स बताते हुए चल रहा हूं, जिसमें कि मैं बता दूं 2021 के अंदर लगभग 5 या 6 गुना 7 गुना कैंडिडेट को पेपर 2 के अंदर बुलाया गया था। तो आगे यहाँ पर आप देख लीजिए MTS कट ऑफ के अंदर सेशन 1 की कट ऑफ आएगी, फिर सेशन 2 की कट ऑफ, जो सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे वो सेशन 2 के अंदर जाएंगे, सीधी सी बात ये है, और फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा वो डेट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट जो है फाइनल आपके सामने आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ स्कोर की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MTS 2022 के अंदर कट ऑफ के लिए सेशन 1 की कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेफ स्कोर फॉर सेशन 1, जिसमें कि रीजनिंग के लिए आपके 16 क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स के लिए आपको 16 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपके 32 क्वेश्चन हो गए। 96 आपके नंबर अगर आपके आ रहे हैं सेशन 1 के अंदर, तो आप जो है हर तरह से सेफ हैं, बिल्कुल हर तरह से सेफ हैं, मतलब आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर कट ऑफ का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सेशन 1 की जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए 95 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 जा सकती है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 92 जा सकती है, और एससी के लिए 85 जा सकती है, एसटी के लिए 79 जा सकती है। तो ये मैंने कम इसलिए लिखा हुआ है, 96 से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि आपका जो है एक आध जो सवाल है वो
अगर आप इतना स्कोर करके आते हो, पहली बात तो ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपका एक आध सवाल तो गलत भी हो जाएगा ना, तो ये है ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कट ऑफ लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं है तो अपनी सहमति भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं MTS 2022 की कट ऑफ के लिए सेशन 2, सिर्फ कैंडिडेट कितने हैं, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश के अंदर अगर आप 21 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और GK के अंदर 17 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मतलब आपके टोटल कितना हो गया यहाँ पर 38 हो गया, और 38 मतलब 114 नंबर अगर आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स के अंदर, तो आप जो है सेफ हैं। और अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लगाते हैं तो लगभग आपके चार मैंने यहाँ पर खत्म कर दिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यहाँ पर है तो मैंने चार नंबर यहाँ पर कम कर दिए, तो रॉ मार्क्स आपके अगर 100 आ रहे हैं ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आराम से इस सेशन 2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसका भी देख लीजिए अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बाकी ये है रैंक IQ का डेटा, जो कि फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। टॉपर्स का डेटा है जिसमें 130 प्लस वाले 1600 कैंडिडेट हैं, 125 प्लस वाले 2000 कैंडिडेट हैं, 120 वाले 2800 कैंडिडेट हैं, और 115 वाले 4000 कैंडिडेट हैं, 110 वाले 7000 कैंडिडेट हैं, और 100 प्लस वाले जो है 15000 कैंडिडेट हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए UR की वैकेंसीज कितनी है आपकी, जो टोटल वैकेंसीज हैं UR की वो है आपकी यहाँ पर 5041 ठीक है। और रैंक सिलेक्शन जो है 7000 तक रैंक वालों का यहाँ पर UR वालों के लिए हो जाएगा। बाकी एक्चुअल जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे UR के, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 कैंडिडेट जो है UR की सेलेक्ट इस बार हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसीज ठीक है। और बाकी जिनके लोगों की रैंक जो है आपकी कितनी रैंक आ रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर चीज़ों को देख लेंगे ठीक है। तो ये जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं 7000 रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे। बाकी आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ और ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। बाकी आपको और भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा जो भी डेटा मेरे पास आता रहेगा उसके माध्यम से। तो सामने आपके हैं यहाँ पर कट ऑफ्स, और ये है SSC MTS एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के लिए, आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन होकर आपको इतना मिलेगा, प्लस अगर जाता है तो +4 हो सकता है और माइनस अगर जाता है इससे तो -3 हो सकता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है और बोल भी रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप UR से बिलोंग करते हैं आपके 112 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। EW से बिलोंग करते हैं तो आपके 110 नंबर आने चाहिए, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके 109, और SC से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 103, और ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी 96, और ESM से बिलोंग करते हैं तो आपकी 78। इसके बाद जो नॉमिनेशन आपको मिलेगा वो 122 नंबर यहाँ पर पहुंच जाएगा, 120 नंबर ये पहुंच जाएगा, 19 नंबर, 119 नंबर, 112 नंबर, 106 नंबर और 87 नंबर्स। प्लस होगा तो यहाँ पर इतना प्लस हो सकता है और माइनस होगा तो यहाँ पर इतना माइनस हो सकता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी लेंथ बड़ा हो गया है वीडियो का लेकिन इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर लगा होगा। सारे के सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके सामने खोल कर रख दिए हैं, सारा डेटा आपके सामने है, मेरा डेटा आपके सामने है, रैंक IQ का डेटा आपके सामने, और भी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर एनालाइज कर ली होंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नीचे बिल्कुल भी इस तरह से कमेंट्स मत करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल फ्री हैं हर तरह की कमेंट करने के लिए, मैं हर तरह की कमेंट्स को पढ़ता हूँ, कभी भी किसी से कुछ कहता नहीं हूँ। ये भी मतलब मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर लगाई गई है, मेरा डेटा है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आज हम बात करते हैं SC MTS की बेस्ट बुक के बारे में जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की ओर से। MTS 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्टडी गाइड ये कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको 3 शॉर्ट पेपर मिलते हैं, 2022 का भी इंक्लूड है इसके अंदर, 2150 प्लस MCQs मिलते हैं। बुक के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है काफी डिटेल में भी दिया गया है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इन दोनों को परचेज करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। नजदीकी स्टोर पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लिंक तो आपको दे दिया गया है। आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए होंगे, और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का बच रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ, मतलब पर्सनल आपसे मैं बातचीत भी कर लेता हूँ। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है ना तो वहाँ पर आप उससे कनेक्ट हो जाइए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जितनी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं वो सारी सारी स्लाइड्स मैं PDF की फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आप लोगों को और भी जानकारी मिलती रहती है, वीडियो नहीं आ पाता है लेकिन वहाँ पर मैं काफ़ी सारा स्टफ आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, मैं आपको PDF सेंड करता रहता हूँ जो मुझे फ्री में मिलती है, वो सारी मैं आपको वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए। उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, ऊपर पिन कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, तो आप जैसे चाहें वैसे ज्वाइन हो सकते हैं, और साइड में आपको हैंडल्स तो दिख ही रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया लिंक वर्क नहीं कर रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अभी मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें abhishek.pandey18 है, और टेलीग्राम का जो हमारा है उसके अंदर आपको exams@20 डालना है, और आपको ऊपर सबसे ऊपर लोगो मिल जाएगा ये वाला, जिसमें कि आप लोग वहाँ पर आके सर्च करके और ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं क्लियर मैंने कर पाए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।